देखिए हमारे पास ये एक मोबाइल आया है Redmi 8A, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ना तो इसमें लाइट आ रही है और ना कोई ग्राफिक्स आ रहा है, और ये मार्केट से होके आया है किसी के टेक्नीशियन के पास से। तो इसमें काम भी किया हुआ है, मैं बताऊंगा क्या काम हुआ है क्या नहीं, हम अभी इसे देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें वाकई में ग्राफिक्स लाइट आ रही है नहीं, तो हम इसे चालू करेंगे। वाइब्रेट हुआ लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी ग्राफिक्स कोई लाइट नहीं आ रही है। देखिए कोई भी ग्राफिक्स नहीं है इस पे। अब दूसरा तरीका क्या है देखने का, इसे एक बार बैटरी को निकाल के हम लगा कर एक बार चार्ज लगाते हैं, अगर लोगो आएगा तब भी हम देख सकते हैं। देखिए वाइब्रेट यहाँ भी हुआ, चार्जिंग का करंट लिया 1.60, ठीक है, मतलब चार्ज होने लगा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोगो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई लाइट और कोई ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किसी हम आज इस स्कीमेटिक के थ्रू जो हमने एक स्कीमेटिक जो हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं मोहन चक्रवर्ती जी, उन्होंने अपने हाथों से बहुत मेहनत करके बनाया है, तो हम इसकी ही द्वारा एक एक चीज ट्रेस करेंगे और इसकी जो प्रॉब्लम है उसे फाइंड करेंगे कि ये प्रॉब्लम है कहाँ से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसे। देखिए देखिए इसमें जो काम किया हुआ दिख रहा है आपको, हाँ है ना, ये काम किया हुआ दिख रहा है, इसमें पेस्टेड सीपीयू वगैरह होता है, लेकिन देखिए मतलब इसका सीपीयू भी रिवॉल्व करके लगा दिया गया इस पे। इसमें क्या है कि सीपीयू पे भी काम हो चुका है और ये ग्राफिक्स के लिए ही हुआ होगा, ठीक है। कोशिश की गई है कि इसमें ग्राफिक्स वगैरह आ जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाया है। और ये देखिए इसमें ये जो हमारी PMI 632 लगी है, इसमें भी देखिए ये भी पेस्टेड, ये भी पेस्टेड होती है, इस पर भी काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी तरफ देख लेते हैं, तो इस तरफ देखिए लाइट सेक्शन, एक अच्छे मिस्त्री के द्वारा इसमें काम हुआ है, लेकिन उसे फिर भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि सारे के सारे इसमें मैं प्रैक्टिकल करके देख लिए हैं कि जैसे लाइट आईसी भी बदल के देख ली गई, यहाँ पर देखिए दिख रहा है काम किया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सारा कुछ कर लिया है लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो हम देखते हैं कि हम क्या अलग से करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस स्कीमेटिक के थ्रू चेक करेंगे, तो प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इससे बाहर प्रॉब्लम नहीं जाएगी, प्रॉब्लम इसके अंदर ही है, ठीक है। हम इसकी हर एक चीज ट्रेस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फुल टेस्ट में डायोड मोड पर की जाती है जी, तो हमने इसको डायोड मोड पर लगा लिया है मल्टीमीटर को, और उससे हम इसमें डायोड मोड का सबसे रूम कहाँ चेक करेंगे, हम डिस्प्ले कनेक्टर पर। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्ले कनेक्टर, देखिए यहाँ भी काम किया हुआ दिख रहा है थोड़ा मोबाइल के ऊपर। तो हम पूरे टेस्टिंग करेंगे, रेड प्रॉप को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रॉप से चेक करेंगे, और पहली पिन हम देखते हैं, पहली पिन पे क्या आ रहा है इसमें, पहली पिन पे NC मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स में रखूँ तो, फॉरवर्ड वाइज में रखूँ तो, अभी रिवर्स में था तो कुछ आ रहा है ना, देखा जाए रीडिंग आ रही है, पहली लाइन अभी ओके है, ओके है। अब इसके बाद मैं देखूं नेक्स्ट लाइन में क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद देखूं तो कुछ नहीं रीडिंग है। देखिए इसके अनुसार अगर हम चेक कर रहे हैं जो है, तो अभी हम यहाँ से कौन सी 40 नंबर लाइन चेक कर रहे थे, है ना, फिर उसके बाद 39 थी ग्राउंड थी जो, फिर उसके बाद 38 नंबर है जो कि VSP है ना। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि अगर कोई चीज हमें NC दिखती है, हाँ। तो हम इस लाइन के थ्रू देखेंगे कि वो NC है या नहीं है, या नहीं। अगर NC होगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगी तो उस पर हम देखेंगे क्यों है, ठीक है। तो पहली लाइन जो हमारी है वो उस पर रीडिंग आ रही थी, हाँ। तो वो तो ठीक है। दूसरे नंबर क्या है इसमें, ग्राउंड है क्या, 39 ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पे LCD BSP, हाँ, इस पे रीडिंग आ रही है। फिर उसके बाद अगली देखें तो रीडिंग आ रही है। फिर और अगली देखें NC है, नहीं ग्राउंड है देखो, हाँ ग्राउंड है। उसके बाद अगली देखें तो रीडिंग है।
फिर आगे भी सप्लाई है, रीडिंग है, फिर ग्राउंड है, फिर ग्राउंड आ गई, फिर रीडिंग है, फिर रीडिंग आ गई, फिर रीडिंग है, फिर से भी रीडिंग है, फिर उसके बाद ग्राउंड है, फिर उसके बाद ग्राउंड है, फिर उसके बाद रीडिंग है, फिर रीडिंग है, फिर उसके बाद रीडिंग है, फिर रीडिंग, फिर ग्राउंड है, फिर भी ग्राउंड है, फिर रीडिंग है, ठीक है, फिर रीडिंग है, ठीक है, फिर ग्राउंड है, ठीक है, फिर रीडिंग है, ठीक है, फिर रीडिंग है। तो ये सारी लाइन हमारी एक तरफ की मतलब ओके है, ये पोर्शन ये सारा ओके है। देखिए इसमें हमने यहाँ से हमने पूरा क्लियर कर लिया है इस तरफ की पूरी, ठीक है, लेकिन अब हम इस तरफ की करेंगे जी। तो इस तरफ जो मदरबोर्ड में जो हमारे कनेक्शन है जी, वो जो स्कीमेटिक में कनेक्शन है जी, वो थोड़े अलग हो गए हैं जी। स्कीमेटिक में जैसे 20 नंबर पिन है जी, तो इसमें एक नंबर पिन है, मदरबोर्ड में अगर एक है तो इसकी 20 है, मतलब इसमें उल्टा फ्लो दिया है। अच्छा मतलब सर अब यहां से काउंट करना है, ये अपन ने काउंट करने के बाद अब यहां से चलना है और वहां से वन बाय वन आएगा, वहां से वन बाय वन आएगा जी। चलिए ठीक है, तो मैं यहां से ऊपर से चेक करूंगा और आप यहां से नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा फंक्शन दिया है। हाँ जी हाँ जी, तो हमारी पहली पिन पे जो है ग्राउंड, हाँ पहली पिन पे ग्राउंड है, नहीं एनोड है, पहली उसमें एनोड होगी। हाँ सर, मतलब ये इसकी 20 नंबर हो गई, तो हमारी रीडिंग आ रही है जो क्या है, एलईडी एनोड। दूसरी एनसी है जी, ठीक है, तीसरी पे रीडिंग है, चौथी पर रीडिंग है, चौथी पर रीडिंग है, पांचवी एनसी आ रही है, छठवी एनसी आ रही है, सातवीं पर रीडिंग है, आठवीं पर रीडिंग है, नवे पर एनसी है, दसवीं पर रीडिंग है, ठीक है, ग्यारहवीं पर रीडिंग है, ठीक है, बारहवीं पर रीडिंग है, ठीक है, तेरहवीं पर ग्राउंड है, ठीक है, चौदहवीं पर रीडिंग है, ठीक है, पंद्रहवीं पर रीडिंग है, ठीक है, सोलहवें पर रीडिंग है, ठीक है, सत्रहवें पर रीडिंग है, ठीक है, अठारहवें पर रीडिंग है, ठीक है, उन्नीसवें पर रीडिंग है, ठीक है, और बीसवें पर भी रीडिंग है, ठीक है, सब पे रीडिंग आ रही है, सारी ओके आ रही है। तो हमारे ये कूल टेस्टिंग के हिसाब से सारी लाइन ओके हैं। हाँ सर, प्रॉपर पूरी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो हम एक काम करें, इसकी हॉट टेस्टिंग और देख लेते हैं, हॉट टेस्टिंग में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हम इसको चार्जिंग पे कनेक्ट करेंगे, बैटरी लगाएंगे और फिर हम इस पर देखेंगे, ठीक है, और चार्जर इस तरफ से ले लेंगे, चार्ज कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसके पत्ते के ऊपर पत्ते को निकाल लेते हैं एलसीडी में और फिर हम इस पर चेक करते हैं, चालू हो गया, चालू करके देखते हैं ऐसे इससे करना। देखिए ये जो डाटा लाइन है वो मल्टीमीटर से चेक नहीं होगी, तो उसको हम डीएसओ से चेक करेंगे कि डेटा आ रहा है कि नहीं। देखिए हम इसकी जो पहली पार्ट है उस पर हम डाटा देखेंगे, डीएसओ में डाटा आ रहा है कि नहीं सीपीयू से। तो ये देखिए डाटा मिल रहा है, मतलब ये लाइन हमारी सीपीयू डाटा दे रही है इस लाइन पे, ये कि यहां भी आ रहा है दूसरी लाइन पे। अगली लाइन पे देखेंगे तो क्या यहां आ रहा है, यहां भी आ रहा है, फिर देखेंगे तो फिर आ रहा है, आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है डाटा, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है डाटा, इस पर भी डाटा आ रहा है, इस पर भी डाटा आ रहा है, मतलब हमारी पांचों कॉइलों पर जो डाटा होता है वो डाटा बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें डाटा दे रहा है, मतलब ग्राफिक्स आने को तो सही आ रहे हैं, लेकिन क्या है, मतलब ग्राफिक्स सीपीयू सेंड कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ग्राफिक्स बन क्यों नहीं रहा है, लाइट बन क्यों नहीं रही है, वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए हम एक बार वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं कि जो वोल्टेज खास होते हैं वो है कि नहीं। तो हम कौन कौन से वोल्टेज चाहिए, पहले तो हमें एलईडी एनोड चाहिए जो कम से कम 25 वोल्ट के ऊपर होगा। तो ये कहाँ पर है इसकी पहली लाइन पे, तो कितना वोल्ट आ रहा, देखिए 4.28, तो ये तो बैटरी के बराबर आ रहा है, यहाँ पर आना था 25 वोल्ट से ऊपर, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। तो लाइट ना आने का कारण एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एनोड की ये जो लाइन है इसमें जो ये जो लाइन दी है इसमें जो जो कंपोनेंट लगे हैं वो सारे ओके हैं, हमारी बूस्ट वाल भी ओके है, बूस्ट डायोड भी ओके है और बूस्ट कैपेसिटर, तो ठीक है बात की बात है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लाइन है वो ओके है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, अगर नहीं आता तो इनमें से हम शक कर सकते थे।
ठीक। तो 12 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए? 1.8। हम इसमें 12 नंबर पिन भी चेक करें। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आना चाहिए। 1.8 आना चाहिए है ना? आ रहा है 1.6, मतलब ओके है। हाँ, ओके है सर, है ना? ओके, मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है लेकिन आ रहा है। आ रहा है, ये लाइन भी तो ओके, ये लाइन ओके है। अब और क्या देखेंगे हम इसमें? तो एक हम इसमें लाइन जो देखेंगे वो कौन सी देखेंगे? 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आती है जी, ठीक है। तो वो कितने नंबर पे आई है इसमें हमारे? इसमें हमारी आई है एक नंबर, मतलब इसका 20 नंबर, 20 नंबर पे, ठीक है। 20 नंबर मतलब सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। तो सबसे नीचे वाले पे हम एक बार देखेंगे वोल्टेज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन भी ओके है, ये लाइन ओके। अब यहाँ तक हमारी क्या है कि ये दो चीजें तो कम्प्लीट हो गई। अब हमें क्या देखना है? -5 और +5 वोल्टेज। तो वो कितने पे है इसमें? एक तो 40 नंबर पे है, दूसरी 38 नंबर पे जी। हमारी यहाँ पे ये 40 है। हाँ जी। तो 40 वोल्टेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है कलेक्टर, नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। जी देखिए, हमारे ये 40 नंबर है, इस पे वोल्टेज आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या हमारा 38 नंबर पे आ रहा है वोल्टेज? नहीं आ रहा है। तो ये जब तक दो वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? ग्राफिक नहीं बनेंगे डिस्प्ले पर। अच्छा, मतलब सर ये सारी चीजें उसको होने वाले अगर दो जगह पे ये +5 और -5 अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो क्या ना ग्राफिक्स आएगी ना लाइट आएगी? नहीं, क्योंकि देखिए सीपीयू तो ग्राफिक्स दे रहा है लेकिन डिस्प्ले को ग्राफिक्स दिखाने के लिए डिस्प्ले की जो लेयर होती है उसमें कितनी लेयर होती है? 8 लेयर होती है। तो उसमें से जो लेयर एक्टिव होती है वो दो एक्टिव होती है, -5 से +5 से। तो जब तक वो लेयर एक्टिव नहीं होंगी तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ग्राफिक्स तो होंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हमको ग्राफिक्स एक्टिव करने के लिए दोनों वोल्टेज अति आवश्यक है। तो हमें ये तो देखना ही देखना है, ठीक है। तो अब सर जैसे हमको ये पता चल गया है, अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? तो ये जो जहाँ से वोल्टेज जनरेट होता है पहले हम उस आईसी तक चलना पड़ेगा। हम इसकी लाइन जब हम देखें, ये लाइन देखो कहाँ होकर कहाँ पहुंची है, ये हमारी PMI 632 में गई है जी। तो हमको PMI 632 को अब देखना है कि इससे प्रॉब्लम है, ये वोल्टेज क्यों नहीं बना रही है जी। लेकिन ये तो किसी ने बदल के भी देख लिए तो हमें बदलने की जरूरत तो नहीं है सर। बाकी हमें क्या करना है, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो चेक करनी है जी। जो -5 +5 वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। वो वोल्टेज कहाँ जाएंगे? PMI 632 से। तो इसमें जो जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं लाइट बनाने के लिए, वोल्टेज बनाने के लिए, हम वो चेक करेंगे। अब वो इस स्कीमेटिक में तो नंबर से हैं लेकिन हमारे इसमें PCB में कहाँ पर लगे हुए हैं इन पे तो नंबर होता नहीं है। तो हम कहाँ देखेंगे? दूसरे मोबाइल में हमने एक लेआउट खोल लिया है जी। इस लेआउट में इस नंबर को फाइंड करके और उसको कंपोनेंट को यहाँ फाइंड करके एक बार चेक करेंगे कि ये कंपोनेंट ओके है कि नहीं है जी। तो इसमें सबसे पहले हमारी लाइट इनेबल करने के लिए क्या है, इसमें R1203 एक रजिस्टर है 100 किलो ओम की। तो हम उस पर देखेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे ये कहाँ पर लगी हुई है। ये सर IC के उधर ऊपर, तो ये देखिए इसमें IC के जस्ट ऊपर जो चार कंपोनेंट लगे हैं जिसमें से 3 कैपेसिटर हैं और एक रजिस्टर है। तो इसमें कहाँ पर है IC के ऊपर जो कि ये लगा है सर? हाँ, ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो लगी है जी वो रजिस्टर है, बाकी 3 क्या है कैपेसिटर है। तो इस पे हम देखेंगे, इस पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। तो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये ओके है, ठीक है जी। अगर सर इस पे वोल्टेज आता तो? इस पे वोल्टेज आता तो प्रॉब्लम यहीं से निकल जाती, प्रॉब्लम यहाँ से निकल जाती, लेकिन ये ओके है। हाँ, ये ओके है, इस पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अब उसके बाद हम इसमें क्या चीज चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें ये दो हमारे कैपेसिटर लगे हैं C1210 और C1209 जी, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे, 12 सर ये दो बड़े कैपेसिटर ये IC के इधर लगे हुए हैं। ये IC के पास एक कॉइल है, कॉइल के नीचे जो लगे हुए हैं ये जी, यही है ना? तो हाँ जी, यही दो, हम इन दोनों को वोल्टेज चेक करने वाले हैं। हाँ, इन पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इनमें से कोई ग्राउंड होगा एक पे वोल्टेज आएगा, हम दोनों का पिन में चेक करना है। इन पर भी कोई वोल्टेज नहीं है और इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है हमारा, अब इसमें एक कैपेसिटर और है C1202, जरा इसे चेक करना, इस पे वोल्टेज आना चाहिए C1202 सर। कोई 3 कैपेसिटर के बाद और ये वाला
छोटा हाँ रजिस्टर के जस्ट नीचे ना जी हाँ रजिस्टर पर वोल्टेज आना चाहिए कितना वोल्टेज आना चाहिए इस पर सर बैटरी के बराबर आ रहा है 4.0 4.0 आ रहा है मतलब ओके ओके है ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे तो ये जो क्वाइल है जी 12.01 जी ठीक है इस पर भी बैटरी के बराबर वोल्टेज आना चाहिए जी 12.01 यही होना चाहिए जी ठीक है यही है क्या ठीक है तो हम इस पर अभी देखेंगे तो कितना वोल्टेज आना चाहिए बैटरी के बराबर तो क्या बैटरी के बराबर इस पर वोल्टेज आ रहा है आ रहा है 4 वोल्ट तो ये भी ओके है ठीक। अब हमको अगला क्या चेक करना है इसमें और क्या लगा हुआ है इसमें देखिए ये हम कैपेसिटर चेक कर चुके हैं ये भी चेक कर चुके हैं कॉइल भी चेक कर चुके हैं हाँ अभी ये कैपेसिटर बचा है आखिरी ठीक तो ये कैपेसिटर कौन सा C1211 जरा इस पर देखो C1211 ये सर तीन कैपेसिटर में से तीसरा वाला है सबसे नीचे ये वाला हाँ इस पे देखते हैं वोल्टेज तो इस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए था इस पर आना चाहिए था बैटरी के बराबर है ना तो इस पे देखेंगे दोनों तरफ वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है दूसरी तरफ वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा ना इस तरफ वोल्टेज है हाँ और ना इस तरफ वोल्टेज है तो हो सकता है यही कारण हो कि इस पर वोल्टेज नहीं आ रहे का कारण ही हो कि लाइट नहीं बन रही हमारी मतलब -5 +5 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो कुछ भी हो सकता है कि आईसी इसको वोल्टेज नहीं दे रही हो है ना अगर आईसी इसको वोल्टेज नहीं दे रही तो हम आईसी बदलेंगे और हो सकता है कि इसमें ही कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक बार इसका कूल टेस्टिंग कर ले रहे हैं क्योंकि अभी तो हमारी आईसी कोई वोल्टेज निकाल नहीं रही है हम एक बार इसमें कूल टेस्टिंग करेंगे कूल टेस्टिंग के हिसाब से अगर ओके निकला तो फिर हम इसमें आईसी बदल के देखेंगे ठीक तो हमने इसको डायोड मोड पर लगा लिया है हम देखेंगे ये वाला कैपेसिटर था ना ये वाला हाँ ठीक इस पे हम देखेंगे कि कूल टेस्टिंग आ रही है आ रही है दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भी आ रही है अब एक मिनट कुछ मुझे अलग दिख रहा है इसमें कितनी है रीडिंग 477 और दूसरी तरफ देखें तो 478 मतलब लगभग सेम है सबकी ऐसा नहीं होना था अलग अलग आना चाहिए भाई सेम क्यों आ रही है सेम आना नहीं चाहिए था इसमें सेम आने का कारण एक ही हो सकता है कि ये आपस में शॉर्ट हो गया हो क्योंकि जब शॉर्ट हो जाएगा लाइन एक हो जाएगी जो एक तरफ आएगी रीडिंग वही दूसरी तरफ आएगी एक बार हम दोनों के आपस में देख लेते हैं दोनों के शॉर्ट हो गया सर देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग में फुल शॉर्ट दिखा रहा है फुल शॉर्ट है इसी वजह से क्या हो रहा था रीडिंग एक ही आ रही थी हम इसे बजर मोड में चेक करेंगे एक बार बजर मोड में देखिए शॉर्ट आ रहा है फुल शॉर्ट आ रहा है सर तब की क्या होना चाहिए था शॉर्ट होना ही नहीं चाहिए कैपेसिटर कभी बीप नहीं देता है दोनों तरफ ये बीप दे रहा है मतलब इसका क्या है कि ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट है कैपेसिटर फुल शॉर्ट तो हम इसको एक बार चेंज करें और उसके बाद देखें रिजल्ट क्या आता है उसके बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है पुराना बोर्ड दीजिए मुझे कहीं से देखिए ये 5A का बोर्ड है और इसमें ये जो कैपेसिटर लगा है यही इसकी हमें जरूरत थी तो हम इस कैपेसिटर को निकाल के और फिर इसमें लगाएंगे तो हम इसे एक बार निकाल लेते हैं क्या करेंगे जो हमने कैपेसिटर अभी निकाला है मदरबोर्ड में से वो कैपेसिटर हम इसमें लगाएंगे क्या दिक्कत है मतलब प्रॉब्लम हुआ सॉल्व होती है तुम्हें आ गया
ठीक है, ये लग चुका है। और इसमें अच्छा सर, ये जो साइज अपन ने वो छोटे की जगह बड़ा लगाया है तो उससे कोई दिक्कत? उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो फेराड़ जो होती है, वैल्यू जो होती है, वैल्यू मायने रखती है। साइज से क्या होता है? साइज से नहीं, मतलब जो जो उसकी वैल्यू थी वो इसकी वैल्यू है। अब मैं आपको साइज से, आपने अगर क्वेश्चन किया है तो मैं आपको उसमें आपको बता देता हूँ कि जो कैपेसिटर है कितने छोटे हैं। लेकिन अगर इन्हीं को हम टीवी डेक रेडियो में देखें तो कितने बड़े होते हैं, लेकिन दोनों में फेराड सेम है। ये आपस में ऐसा लग रहा है चिपक गए हैं, तो एक बार हम इनमें इनकी बजर के साथ देख लेते हैं कि एक दूसरे से इनमें कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। देखिए नहीं आ रही, तो और इसमें भी आपस में देखिए तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हाँ, उसमें आ रही थी सर, इसके पहले जो लगा था उसमें आ रही थी। वो सॉर्ट था। हाँ, लेकिन देखो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अब हम इसमें क्या देखेंगे? वैल्यू चेक करेंगे कि एक तरफ पहले दोनों तरफ आ रही थी, अब हाँ, आती है कि नहीं। देखिए एक तरफ अभी रीडिंग आ रही है जी, और दूसरी तरफ कुछ ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा आ रही है। एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। कम है, ठीक है। तो अब ये ओके है क्योंकि अभी सॉर्टिंग होती तो ये दोनों तरफ बराबर आता है। ठीक, अब एक बार हमें इसे चालू करके और देख लेते हैं। मैट्रिक्स किया है क्या? वोल्टेज आना था। हाँ, उसको वोल्टेज आना था जी। एक बार देख लेते हैं वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर। देखिए आ गया। और ये तो ये क्या है? डायल मिली वोल्ट मिली आ मिली वोल्ट आ रहा है। पहले इन कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज आ रहा था क्या? नहीं, पर नहीं था, नहीं आ रहा था। अब आ गया 6 वोल्ट आ गया जी। और इस पर भी 6 वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर देखिए -5 -6 बनने लगा। -5 यहां पर -6 और यहां पर +6 था। हां देखिए इस पे वोल्टेज आ गया जी, पहले नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, ठीक। देखो ये हमने फिट कर लिया, हम एक बार चालू करके देख लेते हैं इसमें लाइट आई है कि नहीं आई। देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ से थी? एक छोटे से कैपेसिटर से। बाकी करने वाले ने इसमें क्या सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, हो सकता है आईसी भी बदल दी हो, हमें तो ऐसा लग रहा है। और काफी अच्छे टेक्नीशियन के पास से रिटर्न हुआ है, टेस्टेड आईसीओ को उसने वर्क किया है। मतलब बताइए सर, ये एक छोटे से कैपेसिटर का फाइल था और पूरी आईसीयू पे काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। ये क्या मतलब होता है? ये चीज है कि मतलब अगर इस चीज का अगर नॉलेज है तो हम बड़े से बड़े फाइल को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो सर्किट है, सर्किट से बाहर फॉल्ट नहीं जाएगा, फॉल्ट इसके अंदर ही रहेगा। बस आपको इसको समझना आना चाहिए कि कहां पर क्या वोल्टेज आएगा, कितना कब आना चाहिए था, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप इसको प्रॉपर तरीके से एक सही वे में क्या कर पाएंगे, चेक करके और सही कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये स्कीमेटिक जिसके पास गया था उसे अगर इसका स्कीमेटिक का नॉलेज होता तो क्या ऐसा होता? नहीं होता, इतना सब करना पड़ता। और सर महज 10 से 10 मिनट में उसका फाइल फाइंड करके सारा उसका मतलब फाइल क्लियर कर दिया। हो गया, ऑन हो गया। इस तरीके से प्रॉपर वे में हमको काम करना चाहिए। बिल्कुल, जब तक ये चालू हो रहा है हम दो बातें कर लेते हैं जी। तो आप ये बताएं सभी लोग कि मैंने आपको स्कीमेटिक का जो नॉलेज दिया है, क्या उस नॉलेज के बाद आप यहाँ से जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट आता है उसको इजीली रिपेयर कर पाएंगे? क्या इसके बिना संभव है? इसके बगैर तो वही है कि सर उसमें सारा काम हो गया लेकिन फिर भी लाइट नहीं आई है। अगर ये स्कीमेटिक नहीं होता तो फिर लाइट कैसे ला पाते? तो जब आप एक देखिए बहुत से मतलब लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर जिसका स्कीमेटिक नहीं है उसे हम कैसे रिपेयर करें? तो मतलब ये है कि एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार जैसे बाइक होती है, जब तक वो चलाना नहीं आता उसका हमको, या कार मान लीजिए कि जब तक हमें उसके फंक्शन नहीं मालूम है कि कौन सी चीज कैसे कब क्या काम करना है, जब तक वो हमारे लिए क्या है कि भाई कठिन है। हाँ, कठिन है बहुत। लेकिन एक कार आप चलाना सीख गए तो कार कोई सी भी दे दो, कोई सी भी कार चला सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि हम मारुति सुजुकी की जो भी हमारी 800 है जो भी हम चला रहे हैं तो वो ही बनेगी हमसे। एक बार हमने इसको एक समझ लिया तो कोई सा ही एक बार स्कीमेटिक हमें चलाना आ गया तो हम बगैर स्कीमेटिक के भी मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। बस बस यही मैं चाह रहा था कि यहाँ से जाने के बाद आप चार्जिंग में लाइट सेक्शन में मतलब जो जो सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ कहीं आपको लगने वाले नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि आप मतलब इस तरीके से आपको नॉलेज मतलब बहुत आसानी से आपने गेन कर लिया है। देखिए पूरे तरीके नहीं सर, आपका समझाने का तरीका जो है वो काफी सहज और सरल है और हमारे लेवल का है तो हम उसे समझ पा रहे हैं। वो तो अच्छी बात है, इसमें देखिए दोनों के हाथ हैं। आप अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तभी तो मैं समझा पाऊंगा, अगर मैं कितनी कोशिश कर लूंगा ना आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।